अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन निकला है ऑस्मोसिस से। ऑस्मो रेगुलेशन मीन ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में हमारे पास टू चीज़ें आ जाती हैं, इनके टू थिंग्स इन्वॉल्व हैं। एक हमारे पास साल्ट और सेकंड हमारे पास क्या है, वाटर। जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके थे कि ऑस्मो रेगुलेटरी वर्ड निकला है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस से ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन के साल्ट एंड वाटर के मेंटेनेंस होती है साल्ट एंड वाटर की। बट इधर हम बात कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के। ऑस्मो रेगुलेशन किधर होगी, किडनीज के थ्रू। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर या फिर साल्ट या फिर वेस्ट मटेरियल हो गया है तो इसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए। बॉडी फ्लूइड में हमारे पास आ जाते हैं ब्लड में फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर यूरिन फॉर्मेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स के ब्लड और दूसरे बॉडी फ्लूइड में पानी और नमकियात की क्वांटिटी का ज्यादा हो जाना। किडनी ब्लड में मौजूद पानी को एक लेवल पे मेंटेन रखते हैं। मीन के किडनी ब्लड में पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल करके ऑस्मो रेगुलेशन में अहम किरदार अदा करती हैं। क्योंकि अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में हो जाए तो ये जिस्मानी फ्लूइड को कंसंट्रेटेड कर देता है, और अगर बॉडी में पानी का ज़रूरत से ज़्यादा एंटर हो जाना, ज़्यादा हो जाना, जिस्मानी फ्लूइड को डाइल्यूट बना देता है। तो किडनीज का काम बॉडी में मौजूद साल्ट और वाटर में हलशुदा नमकियात की मकदार को बरकरार रखना है, और इस अमल के लिए ब्लड फिल्ट्रेशन की जाती है। इस कंडीशन में बॉडी को दो तरह की कंडीशंस हैं जिनका सामना करना पड़ता है। एक हमारे पास होती है हाइपरटोनिक कंडीशन और एक हमारे पास होती है हाइपोटोनिक कंडीशन। के फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास वो है हाइपोटोनिक। और सेकंड है हमारे पास हाइपरटोनिक। पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या है या हाइपरटोनिक कंडीशन क्या है। हाइपरटोनिक ऐसे एनवायरनमेंट को कहा जाता है जहां डाइल्यूट एनवायरनमेंट होता है, जहां सल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा है। कि हाइपरटोनिक में क्या होगा, सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इधर हमारी बॉडी में सल्यूट से मुराद इधर साल्ट है, एंड सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, वाटर। के अगर बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और साल्ट की कम हो जाए तो कंडीशन कौन सी होगी, हाइपरटोनिक। मीन के अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए और साल्ट कम हो जाए तो किडनी ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि डाइल्यूट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता बल्कि वो यूरिन में शामिल करवा दिया जाता है, ताकि जिस्म के अंदर पानी की मकदार को एक कांस्टेंट लेवल इक्विलिब्रियम पे मेंटेन किया जा सके।
मीन के अगर बॉडी में वाटर का लेवल ज्यादा हो गया है, तो वाटर के लेवल ज्यादा होने की वजह से ब्लड में भी वाटर ज्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम हाई हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा? हाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस बॉडी फ्लूइड को नॉर्मल करना है। पहले कम करेंगे और कम करके नॉर्मल लेवल पे लाया जाएगा, तो फिर मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होगी के ज्यादा से ज्यादा यूरिन और रीअब्सॉर्प्शन करवाएं, जिसके नतीजे में बॉडी फ्लूइड जो होगा वो डिक्रीज होके नॉर्मल पे आएगा। इनके बॉडी फ्लूइड डिक्रीज टू नॉर्मल एंड विल मेक मोर अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। मीन के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड एक्सेस वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज्यादा बन जाएगा। मीन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ज्यादा डाइल्यूट यूरिन बन जाएगा। दोबारा से डिस्कस करते हैं कि मीन के इस प्रोसेस के दौरान बॉडी फ्लूइड में एक्स्ट्रा पानी मौजूद हो जाए, मीन के पानी का लेवल ज्यादा हो जाए, तो किडनी डाइल्यूट यूरिन बनाएगी। इस प्रोसेस के लिए किडनी ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से वुमेन कैप्सूल में ज्यादा पानी फिल्टर करती हैं। इस तरह कम पानी को ही वापस जذب किया जाता है और यूरिन डाइल्यूट बनता है। इससे बॉडी फ्लूइड में पानी की क्वांटिटी कम होकर नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा? सल्यूट का लेवल हाई हो जाएगा और सॉल्वेंट कम हो जाएगा और बॉडी फ्लूइड भी कम के बॉडी में क्या हो रहा है, साल्ट ज्यादा हो रहे हैं, सॉल्वेंट मीन वाटर की मिकदार कम हो रही है। अगर वाटर की मिकदार कम होगी तो बॉडी फ्लूइड भी कम होगा और वॉल्यूम भी कम होगा। अब हमने क्या करना है कि वॉल्यूम को इंक्रीज करके एक नॉर्मल पॉइंट पे लेके आना है। मीन के अगर बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम हो तो किडनी कम से कम वाटर फिल्टर करती हैं और ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है और जो यूरिन रिलीज होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन, के बॉडी में पानी की क्वांटिटी को बरकरार रखने के लिए यूरिन में कम वाटर होता है और इसको हम नाम देते हैं ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन का, के अगर वाटर को फिल्टर करवा के बाहर ना निकाला जाए, मोर दी अब्जॉर्प्शन हो, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम इधर क्या है, कम है, सार्स को रिमूव करवा दिया जाए और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। अगर साल कम हो जाएंगे तो वाटर का लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा, मीन के वाटर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और किडनी को ज्यादा वर्क कंसंट्रेटेड यूरिन में करना पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया है कि डाइल्यूट में इजाफी पानी को खारिज करते हैं और कंसंट्रेटेड यूरिन में
बाल्टी में पानी की मिकदार कम को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं और रिटेन करते हैं। और ये सारा प्रोसेस कंट्रोल होता है हार्मोन्स के थ्रू, के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो के ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन को इनके कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन के दौरान कंट्रोल करते हैं। कंसेंट्रेटेड यूरिन में जब बॉडी फ्लूइड में पानी की कमी हो तो किडनी ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से कम पानी फिल्टर करते हैं और पानी के वापसी अंजाब को बढ़ा दिया जाता है। कम फिल्ट्रेशन और ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन से कम और कंसंट्रेटेड हाइपरटॉनिक यूरिन बनता है। इससे बॉडी फ्लूइड में पानी की मिकदार ज्यादा होकर नॉर्मल हो जाती है और ये तमाम प्रोसेस हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है कि हार्मोन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वाटर फ्रॉम नेफ्रोन। और इस प्रोसेस में जो हार्मोन ये सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं एडीएच, एडीएच, एडीएच मीन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ए से एंटी, डी से डायूरेटिक और एच से हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन हैं जो यूरिन में वाटर को ना जाने दें। दिस प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन। इंसान रोजाना की बुनियाद पर अगर एवरेज मेजरमेंट करें तो 1.4% यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 तक रिटेन की जाती है। यही वजह है कि ब्लड से साल, क्रिएटिनिन और यूरिया जैसे केमिकल को निकाल दिया जाता है ताकि ब्लड की पीएच मेंटेन रहे। थैंक यू। आज हमने क्या डिस्कस किया है? ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। इसमें हमने टू कंडीशन को डिस्कस किया है। एक कंडीशन हमारे पास हाइपरटोनिक होती है और दूसरी कंडीशन हमारे पास हाइपरटोनिक होती है। हाइपरटोनिक कंडीशन में जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो डाइल्यूट होती है और हाइपरटोनिक कंडीशन में जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो कंसंट्रेटेड होती है। और ये दोनों प्रोसेस कंट्रोल किए जाते हैं हार्मोन्स के जरिए। दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक। हैव यू एनी क्वेश्चन देन यू आस्क। थैंक यू।